we are going to try uh, look at the local self-government in india okay so the first thing that we should know that what is local self-government local government in india refers to the governmental jurisdictions below the level of the state स्टेट के लेवल के नीचे जितने भी लेवल ऑफ़ गवर्नमेंट है मतलब गवर्नमेंटल जो रिडिक्शंस आते हैं वो उनको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काउंट करते हैं एंड इंडिया क्योंकि एक फेडरल रिपब्लिक है विथ थ्री फेयर्स ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ठीक है सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स गिव रिकगनेशन एंड प्रोटेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट्स एंड इन एडिशन ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन हर एक स्टेट का अपना जो है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन होता है कोई यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन नहीं है विद इन दी सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देर आर सर्टेन फीचर्स Uh, there are certain actually provisions which needs to be compulsorily followed by the state with respect to local self-government. And then there are certain provisions which can be, you know, uh, which can vary state to state as per the state legislations. Okay, so this is it. Uh, and one thing more, 73rd ke andar aata hai uh, Panchayati Raj. Theek Or uh, 74th? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आता है आपका ये म्यूनसपालटीज़ वगैरह ठीक है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है फाइन uh, अगर हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो सबसे टॉप लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है फिर स्टेट गवर्नमेंट है एंड देन आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो पंचायत आएगी अर्बन एरियाज़ की बात करें तो नगर पालिकाज आएंगी ठीक है तो पंचायत के अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है इंटरमीडिएट पंचायत होती है बट इंटरमीडिएट पंचायत जो होती है वो हर जगह नहीं होती है उसमें क्या होता है अगर ट्वेंटी लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है तभी वहाँ पे इंटरमीडिएट पंचायत होती हैं एंड लास्टली वी हैव विलेज पंचायत सिमिलरली जब हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो नगर पालिकाज जिसके अंदर म्यूनिसपल कॉरपोरेशन होती है सबसे ऊपर फिर म्यूनसिपल काउंसिल होती है, एंड म्यूनसिपल काउंसिल भी इसी तरीके से हर जगह नहीं होती है हर अर्बन एरिया में नहीं होती है इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन वेदर इट वेदर सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्स इट और नॉट एंड लास्टली वी हैव नगर पंचायत भाई सो so, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है एंड uh, थोड़ा सा और देख लेते हैं सी विलेज लेवल पे अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है सबसे ऊपर जो कि ग्राम सभा बनाती है जिसको एंड जिसको हेड कौन करता है इस विलेज लेवल की ग्राम पंचायत को सरपंच हेड करता है ठीक है नेक्स्ट ब्लॉक लेवल पे जो होती है ठीक है इसमें जो होता है पंचायत समिति होती है ये जो पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, ठीक है अलग अलग जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं वो इस पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एंड इसका जो हेड होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बिकॉज ये ब्लॉक लेवल पे है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें पंचायत राज के अंदर सबसे ऊपर होता है ज़िला परिषद एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आल्सो तो जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं एंड साथ ही साथ में इसमें लोकसभा लोकसभा के भी मेम्बर्स होते हैं ठीक है मतलब एम भी होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एंड एम उस डिस्ट्रिक्ट का होता है एंड इसको हेड करता है जिला चेयरपर्सन फाइन सो so, ये पंचायती राज का स्ट्रक्चर uh, है ना सी जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पार्ट नाइन में आता है ठीक है सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट पार्ट नाइन में आता है इट हैज़ गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत एंड हैज़ प्रोवाइडेड इट विद सब्सटेंशियल फ्रेमवर्क इट एंडविजन्स द पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑल्सो द यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस तो सेवेंटी थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि पार्ट नाइन में है उस पंचायत को एनविजाइज किया गया है एज इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस साथ ही साथ में ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्लान करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं उन प्रोग्राम्स को विच आर नीडिड फॉर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड सोशल जस्टिस फाइन द क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज पंचायत एंड ग्राम सभाज वि थ्री मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटेड टू मैनेज लोकल डिवलपमेंट वॉज अक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट आर्टिकल टू फोर्टी थ्री ए जो है इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकगनीशन टू ग्राम सभा तो ये आर्टिकल हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल दो दे आर वेरी लाइक फीबल चांसेस की यू पी एस सी विल आस्क इट बट इवन देन यू शुड नो इट आर्टिकल टू फोर्टी थ्री ए इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनीशन टू ग्राम सभा एज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कम्प्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल वॉट इट मीन्स ग्राम सभा क्या होता है ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि उस जो भी वो एरिया है जो भी वो विलेज है कई बार ऐसा होता है अगर विलेज बहुत छोटा है तो एक दो तो विज़ेस को इंक्लूड भी कर दिया जाता है तो ग्राम सभा में हम फॉर द सेक ऑफ़ कन्वीनियंस विल कंसिडर कि एक ही विलेज के मेम्बर हैं तो उस विलेज के वो सारे लोग जो कि वहाँ के एक्चुअली इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं दैट मीन्स बिल अबव एटीन ठीक है means, uh, 18, वो जितने भी रजिस्टर्ड एक्चुअली वोटर्स हैं वो कंप्राइज करते हैं ग्राम सभा को एंड ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ भी चुका है सिंगल लाइन में प्री pre, प्रलम्स में कि ग्राम सभा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है ठीक है एंड विच आर नॉट अदरवाइज डिसक्वालीफाइड जो किसी या किसी और रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाइड नहीं है ऐसे रजिस्टर्ड वोटर्स उस विलेज के ग्राम सभा में आते हैं फॉर्म करते हैं नेक्स्ट सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट नाइन ए में आता है इसमें तीन तरीके की म्यूनिसपैलिटीज की बात करी गई है अर्बन एरियाज में डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड एरिया the constitution provides for a complete institutional mechanism including reservation of women formation of state finance commissions for local de uh, democracy as i have told earlier there are certain provisions within these amendments which says that these particular provisions are compulsorily to be followed by the state and among them are the reservation for the women the reservation uh, for the women in scst and uh, the formation of state finance commission so these are compulsory provisions that the state has to do and otherwise there are also certain um uh, you know uh, these um, discretionary provisions with the state can provide fine uh so uh we have talked about 73rd and 74th amendment act now द थिंग इज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विध रिस्पेक्ट टू मीनस एंड इंटरव्यू दैट इज़ दट वॉट आर द प्रॉब्लम दैट लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ सफरिंग ठीक है फर्स्ट इज़ इन एडिकुएट डिवोल्यूशन ऑल स्टेट्स हैव नॉट बीन फोर्थ कमिंग एंड गिविंग पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज एंड अफ फंड्स जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कुछ स्टेट्स को छोड़ के फॉर एग्जाम्पल केरला केरला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे टॉप नॉट स्टेट है ठीक है तो uh, कुछ स्टेट्स को छोड़ के बहुत से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जो लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ उनको जो है एंड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ़ पावर नहीं किया है ठीक है उनको फंड्स भी प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करे गए हैं तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के या किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए वो होती हैं फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज जिसका एक्चुअली हमें लैक ऑफ थ्री एप्स देखने को मिलता है फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज इज हेम्पर्ड बाई लैक ऑफ इंटरेस्ट इन देम बाय द स्टेट डिवोल्यूशन इज अनइवन अक्रॉस द स्टेट्स फाइन इवन विद इन द स्टेट भी डिवोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है किसी पंचायत को ज़्यादा हो सकता है डिवॉल्यूशन किया है किसी को नहीं किया है ठीक है नेक्स्ट है स्टेट्स वायलेटिंग प्रोविजन फ्रॉम पोस्टपोनिंग द इलेक्शंस टू द फेलीयर टू कॉन्सटीट्यूट स्टेट फिनेंस कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी स्टेट्स हैव बिन सेन टू वॉयलेट द वेरियस प्रोविजन्स ऑफ पार्ट नाइन एंड नाइन ए जो इवन जो मैंडेटरी प्रोविजनस भी हैं लाइक फार्मेसन ऑफ स्टेट फिनेंस कमीशन एंड फार्मेशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी विद इन सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट देखा गया है बहुत से स्टेट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली बहुत साल से स्टेट फिनंस कमीशन फॉर्म ही नहीं किया है ठीक है तो ऑबियसली वो फंडस कहाँ से सही से रिवॉल्व कर पाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम देट सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेनमेंट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करी गई है जिस जो देखा गया है कि बैरिंग थ्री और फोर स्टेट्स State, बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के नाम पे कुछ है ही नहीं और हैं तो वो रिडेंडेंट हैं उनमें कुछ काम नहीं हो रहा है ठीक है मूविंग ऑन इन एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर है इन स्टाफिंग है इवन जो ग्राम पंचायत हैं या जो भी लोकल बॉडीज़ अर्बन एरियाज़ में हैं वहाँ पे सफिशेंट स्टाफ नहीं है स्पेस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नैक्स हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी फंक्शनिंग हैम्पर होती है देन the panchayats and municipalities and they have not used their fiscal powers efficiently. Uh, obviously, how can they use their fiscal powers efficiently when they are not having sufficient uh, amount of funds with them? very few gram panchayats levy and collect taxes on markets, fairs, property business and so on. and there was no real, real institutional decentralization except in the state of kerala where local democracy has been very successful. most states continue to create parallel bodies,

बहुत से स्टेट्स हैं जिन्होंने एक अलग से एक पैरल बॉडी बना दी है कि भाई ये जो है विलेजेस का डेवलपमेंट देखेगी व्हाट इज द नीड ऑफ दीज बॉडीज़ व्हेन वी आर ऑलरेडी हैविंग अ थ्री टीयर लेवल ऑफ गवर्नमेंट थ्री टीयर गवर्नमेंट सो द बेटर थिंग इज टू हैव रिफॉर्मेशन टू हैव बेटर लेजिसलेशंस विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री टीयर गवर्नमेंट्स राइट इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग parallel governments and entering into the domain of uh, these uh, local self-governments so this is the problem next is increasing allocations to mp Lads, uh, which started in 1993 but let me tell you that abi dosa just after covid-19 in the year 2020 the pm has announced that those uh, suspend khaleej al suspended. सो so दैट जो फंड्स एम पी लेड में दिए जाते वो फ़ंड्स जो हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में या फिर जो भी कोविड के बाद के जितने भी रिहेबलीटेशन करना है उन सब में यूज़ किया जा सके बट वॉट दे आर ट्राइंग टू से कि इस तरीके की जो भी ये लोग स्कीम्स लेकर आते हैं एम पी लैड या इसी तरीके की दूसरी जो भी होती हैं तो उसमें एक्चुअली फ़ंड्स जो हैं वो uh, चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स ओके सो एक ये इशू हो गया लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर कंपराइजिंग यूनियन एंड स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स आर ओनली सेवन परसेंट अगर आप इसको कंपेयर करो यूरोप से वहाँ पे है ट्वेंटी फोर परसेंट नॉर्थ अमेरिका ट्वेंटी सेवन इन डेनमार्क में फिफ्टी फाइव परसेंट दैट मीन्स वी आर स्पेंडिंग वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जब तक इस पर स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं होगी फंक्शनल एंड फंड्स डिवोल्यूशन नहीं होगा तब तक एक रियल जो डिसेंट्रलाइजेशन हम चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा फाइन नेक्स्ट इज़ ग्राम ग्राम सभा की जो फंक्शनिंग है दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड इट शुड फुली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू दैट मीन्स सोशल ऑडिट में ग्राम सभा का एक मेन रोल होना चाहिए but Oh, except the Manrega scheme no other scheme has made social audit compulsory so this shows that we are lacking with respect to this okay? anyways uh, uh, then there we can see that uh, there is few participation of women in other vulnerable groups and even where the um, panchayat or the sarpanch is a woman people are reluctant to follow the instructions fine because they don't consider women as appropriate leaders or as their sarpanch and similar thing goes with the if suppose any uh, person from the uh, marginalized section or from SEST or other reserved class category person is elected as the leader however this is not true for all the panchayats and for all the states but in certain cases it's being seen changes are being there there are many examples of um, you know uh, female uh, sarpanches which are th leading this uh, local self governments and all for example chavi rawat right so but then uh, in general we can see these issues okay so uh, moving on we have seen the um, you know the hurdles that uh, we are facing right now with respect to the local self government now we have to see why we are discussing this because it is uh, uh, to know the importance of local self government so सी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी सस्टेन बाय सिस्टम ऑफ विगरस लोकल सेल्फ का इंस्टीट्यूशंस एक जो डेमोक्रेटिक जो एडिफिस होता है वो तभी सस्टेन कर पाएगा अगर उसका बेस जो है वो स्ट्रांग होगा और हमारी इंडिया में वो बेस क्या है दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स अगर ये स्ट्रॉग होंगी यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी हमारा जो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है राइट टू द यूनियन लेवल वो स्ट्रांग होगा राइट सेकेंड थिंगज़ Local government institutions provide an opportunity to the people to participate freely and actively in the governments, governance, and, uh, and the policy making which they formulate for their respective areas. So, obviously, local self government provides a platform for the common people, okay, for local people to participate in the, you know, uh, even in the policy formulation by providing feedback and by implementing the schemes of the um, uh, government. So, it Gives them a sense of participation as well, uh, which strengthens the democracy. Then, while inaugurating the first local self government, मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन फोटी एट आर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड लोकल गवर्नमेंट इज एंड मस्ट बी द बेसिस ऑफ एनी ट्रू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी एट द टॉप में नॉट बी अ सक्सेस अनलेस बिल्ड ऑन इट्स फाउंडेशन फ्राम बिलो जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉग नहीं होगी तब तक आपको टॉप लेवल पर भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं दिखेगी एंड ये हम अपने नीम्स के आंसर्स में एथिक्स के आंसर्स में कोट्स कर सकते हैं एथिक्स में जो गवर्नेंस वाला पूरा टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पे आप सिटीजन uh, चार्टर के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं कि कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ठीक है करप्शन वाले इशू में बिकॉज जहाँ पे भी लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता नज़र आएगा गवर्नेंस में वहाँ कर करप्शन के सीट्स आपको देखने को मिलेंगे फाइन एंड सिमिलर थिंग वी कैन ऑल्सो कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू लास्की Lasky said local government offers the best opportunity to the people to bring local knowledge, interest, and enthusiasm to bear on the solution of their problems. Because local people know what's their problem, so they can come up with the perfect idea, with the perfect solution to the problems. Fine. So, this is the thing. Um,

उनके प्रॉब्लम अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस वन कैन डिजाइन एंड सिमिलर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल मेकिंग पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू दिस लोकल सेल्फ गवमेंट्स फाइन विद रिस्पेक्ट टू पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज दैट आप सिमिलर अप्रोच हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हो बिकॉज हर एरिया की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं एंड विच रिक्वायर्स डिफरेंट सॉल्यूशंस वन बेनिफिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज दैट द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स टू द डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड लोकल गवर्नमेंट हैज़ पॉजिटिवली चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को एक्चुअली नेगेटिव सेंस में कई बार बोला जाता है मिथिक्स में भी पढ़ते हैं कि दैट ब्यूरोक्रैट्स शुड नॉट हैव ब्यूरोक्रैटिक एटीट्यूड should have some sort of bureaucratic attitude because it makes easy to follow the rules but then

रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर द यूटिलाईजेशन ऑफ ग्रांट भी प्रपेर्यर बाई द एनवायरमेंट ऑफ द ग्राम सभाज तो ये तो बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड के बारे में बताया गया है मूविंग ऑन नथिंग टू मूव ऑन एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम क्या है हमारे लोकल सेल्फ गवमेंट में हमने ये देख लिया इम्पॉर्टेंस क्या है एंड आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो ये इम्पॉर्टेंस के पॉइंट हैं यही आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं कि हमें सॉल्यूशन क्या है बिकॉज वन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है इवन बाई राइटिंग आंसर इफ़ यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए बिकॉज उन प्रॉब्लम से स्पेसिफिक आप आंसर लिख सकते आप सोल्यूशन लिख सकते हो सो वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम्स वी हैव डिसकस द इम्पॉर्टेंस विच मेक्स इट ईजियर टू प्रोवाइड थ्री टू टू Uh, two to three suggestions in the answer fine so this is with respect to the local self government and thank you